सो गाइस व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, पीछे ये बाली ब्रिज, ये खूबसूरत नज़ारा शाम का गंगा नदी का, और मेरे पीछे है, आपको शायद इतना दिखाई नहीं दे रहा है बट पीछे आप देख सकते हो वहाँ पर सीधा वहाँ पर दक्षिणेश्वर, वो है दक्षिणेश्वर मंदिर का एकदम ऊपर का जो जगह है सीन है, दैट इज़ द प्लेस। तो भैया आए तो दक्षिणेश्वर मंदिर को एक्सप्लोर करने, बट अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग थोड़ा सा पता नहीं था, तो 7 बजे के अंदर बंद हो जाता है, तो ऑलरेडी 7:10 बज चुके हैं और दक्षिणेश्वर टेंपल का पूरा कैंपस देख सकते हो ऑलरेडी खाली होने को है। दिस इज़ द मंदिर का कैंपस, सो यहाँ से लोग अंदर जाते हैं, दिस इज़ द एंट्री ऑफ अध्यय, ओके एंट्री ऑफ अध्यय, यहाँ बहुत सारे लाइट चारों तरफ जलता रहता है, पर अभी 7 बज चुके तो इसीलिए बंद होने को है। सो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते बट आसपास बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप गंगा नदी के पार किनारे बैठ सकते हो, कुछ खरीदारी भी कर सकते हो। चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं क्या कर सकते हो। टाइमिंग थोड़ा सा बता दूँ, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक मंदिर खुला रहता है, अगर पूजा देना चाहते हो तो दैट्स ओके फाइन, इसके अंदर ही आप आओ। तो भाई ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ गंगा किनारे, एकदम दक्षिणेश्वर टेम्पल, ये है दक्षिणेश्वर मंदिर, सीधा ये दिखाई दे रहा है, ये सीढ़ी से उतर के आपको ये मिल जाएगा गंगा घाट, और वो है बाली ब्रिज। एग्जैक्टली ये बहुत ही स्पेशल जगह है, लोग जब यहाँ पर आते हैं लोग यहाँ पर बैठते हैं, पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन यहाँ पर हो रहा है, लोग मास्क भी पहन चुके, कुछ ऐसा लोग हैं दे आर नॉट वेयरिंग द मास्क, पर मैं तो लगा चुका हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सो प्रोटेक्शन इज मैंडेटरी ओवर हियर। सो गाइस व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, पीछे ये बाली ब्रिज, ये खूबसूरत नज़ारा शाम का गंगा नदी का, और मेरे पीछे है, आपको शायद इतना दिखाई नहीं दे रहा है बट पीछे आप देख सकते हो वहाँ पर सीधा वहाँ पर दक्षिणेश्वर, वो है दक्षिणेश्वर मंदिर का एकदम ऊपर का जो जगह है सीन है, दैट इज़ द प्लेस। ये मंदिर का दूसरा साइड में ये है स्टॉल, अगर आप प्रसाद प्रसाद लेना चाहते हो पूजा देने के लिए तो यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर पूरा एकदम ये पूरा जो बिल्डिंग है यहाँ पर प्रसाद का ये बिल्डिंग यहाँ पर रखा हुआ है, तो पूजा देने के लिए ये ऐसे काउंटर बहुत सारे हैं, आप प्रसाद देखिए। डाला कितने का है भैया? हाँ स्टार्टिंग कितने से? 21 से, और हाईएस्ट कितना है आपका? जो मर्जी हाईएस्ट आपको मर्जी। अच्छा 1500 कुछ भी, ओके 21 रुपये से आपका पेड़ा शुरू होता है, ये पेड़ा दे रहे हैं और क्या फूल दे रहे हो? राइट, फूल नहीं, अच्छा अच्छा, ये देख सकते ये पूरा ये बिल्डिंग है पूरा प्रसाद के लिए। अब जरा घूम घूम के दिखाता हूँ, यहाँ पर काउंटर नंबर, स्टॉल नंबर सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पेड़ा डिफरेंट टेस्ट का पेड़ा आपको यहाँ पर मिलेगा, ओके लुक एट द सीन, ये सब है पेड़ा, पेड़ा के साथ ये सब भी आप ले सकते हो, चेड़ी है हाथ में लगाने के लिए कुछ चीज़ है, ये काउंटर नंबर 10, 11, 12, चारों तरफ काउंटर्स है।
ओके ये सब डाला है, लेट शो यू, दिस इज द डाला। यहाँ पर डाला में ये चीज आपको मिल सकता है। मुझे डाला में क्या क्या रहता है इन जनरल? 400, 500, 300, 150। ओके क्या एक 100 रुपए का डाला में क्या क्या रहता है ऑलमोस्ट? ये वाला 20 पीस मिठाई है। ओके ये पेड़ा 20 पीस, ये सब पेड़ा बोला जाता है, पेड़ा 20 पीस रहता है। और क्या रहता है वहाँ पर? और मंगल घाट सूतो ये सब चाहिए, अच्छा पूजा के लिए जो चाहिए। ओके थैंक यू। ये देखो भैया का ये दुकान है, 10 नंबर स्टॉल है। पर बहुत सारे, कितने स्टॉल है भैया टोटल? 58 स्टॉल्स है। 50 बाई गाड़ी पता, ये अच्छा से इन्फॉर्मेशन दे दिया। 58 स्टॉल, सभी स्टॉल खुला रहता है क्या? एक दिन आज भी हमारे। ओके ये ऑड इवन का फॉर्मूला है, डेली में। अच्छा दूरत्व बजाय, ओके डिस्टेंस के लिए। ओके हर स्टॉल आपको यहाँ पर खोला नहीं रहता है, कुछ दिन ये स्टॉल कुछ दिन वो स्टॉल। तो भाई ऑलरेडी आधा घंटे यहाँ पर स्पेंड करने के बाद अभी घर जाने का टाइम है। ऑलरेडी व्हिसल दे रहा है सिक्योरिटी लोग, तो यस ऐसे बांसुरी बजा बजा कर लोगों को ऐलान कर रहे हैं भाई टाइम हो गया, अब निकलो। तो निकल रहे हैं यहाँ से। लाइट माइट भी चारों तरफ बंद हो चुका है, इक्का दुक्का लाइट यहाँ पर जल रहे हैं लोगों को बाहर निकलने के लिए। टाइमिंग एक बहुत बड़ा इशू हो गया एक्चुअली, अगर पता होता तो एक डेढ़ घंटा और पहले आ जाता तो अच्छा टाइम स्पेंड करता, पर ठीक है चलो यार काली माता का ही मर्जी था। तो होप सो यू एंजॉयड द व्लॉग, अगर इस व्लॉग को अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और डोंट फॉरगेट टू हिट द क्या बटन, लाइक बटन, और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर करके दक्षिणेश्वर माता जी के लिए थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दक्षिणेश्वर का एक बहुत ही खास एंड बहुत ही बढ़िया इवनिंग स्पेंड करने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ। होप सो यू हैव एंजॉयड द व्लॉग, सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।